फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसका नाम है नेसेसरी लॉसेस। ये किताब लिखी है जूडिथ वियोर्स्ट ने। जूडिथ वियोर्स्ट एक काफी जानी मानी साइकियाट्रिस्ट हैं, अमेरिकन। उन्होंने ये किताब लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और ऐसे टॉपिक पे है जो नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है। तो द बुक टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग लॉसेस इन लाइफ। जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, हम काफी तरह के लॉसेस एक्सपीरियंस करते हैं, और ये किताब हमें बताती है कि वो लॉसेस बहुत जरूरी हैं फॉर अस टू इवॉल्व एंड एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ एज एन इंडिविजुअल। तो किताब में बिल्कुल बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो सफर है, और उस सफर में जो हम लॉसेस एक्सपीरियंस करते हैं, और कैसे वो लॉसेस जरूरी हैं, नेसेसरी हैं, इसके बारे में ऑथर ने बताया है। जैसे जब हम पैदा होते हैं, हम अपने पेरेंट से बिल्कुल जुड़े रहते हैं, हमें चलना भी नहीं आता, फिर हम शुरू शुरू में चलना शुरू करते हैं। तो वो चलना जो हम शुरू करते हैं, पहले हम अपने पेरेंट से, अपनी मम्मी से, पापा से 10 कदम तक ही दूर जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे और दूर जाना शुरू करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं। अब हम जब स्कूल जाते हैं, अब सबको याद होगा, हम जब शुरू शुरू में स्कूल जाते थे, हम बहुत रोते थे कि हमें मम्मी पापा से दूर नहीं जाना। बट सोचिए, अगर हम नहीं जाते स्कूल तो हमारी ग्रोथ नहीं होती, राइट? सो दैट वॉज अ नेसेसरी लॉस ऑफ गोइंग अवे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम आर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, काफी डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, सो पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अस। फिर हम ग्रेजुअली जब ग्रो करते हैं, टीनेजर बनते हैं, तो हमारी अपनी आइडेंटिटी की एक लॉस होती है। हम डिसाइड नहीं कर पाते हम कैसी आइडेंटिटी है, कैसी पर्सनालिटी है। ऑब्वियसली हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन टीनेज। इट्स अ फ्लक्स, राइट? वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ लॉसेस। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस आर फर्स्ट रोमांटिक एक्सपीरियंसेस, विच जनरली ऑल्सो इवेंचुअली एंड अप इन सम काइंड ऑफ लॉसेस, कि कोई आपको पसंद आता है, आप उनको बता नहीं पाते हो, या फिर वो रिश्ता बनते बनते रह जाता है। एंड वी ऑल गॉन थ्रू आर शेयर ऑफ टीनेज ब्रेकअप्स। देन ग्रेजुअली जब हम और आगे बढ़ते हैं लाइफ में, कॉलेज पूरा करते हैं, ज्यादातर आजकल क्या होता है, हम अपने घर से दूर जाते हैं, हम अकेले रहना शुरू करते हैं। इनफैक्ट कॉलेज में ही शायद आप हॉस्टल में चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ बिग एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। बहुत ही खालीपन होता है। एक तरफ तो फ्रीडम होती है कि चलो अभी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन द लॉस ऑफ हैविंग दैट सेंस ऑफ सपोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, पेरेंट्स, दैट्स ऑल्सो अ नेसेसरी लॉस। ये मुश्किल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यही एक्सपीरियंसेस हमें जिंदगी में और स्ट्रांग बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, ताकि हम जिंदगी में और कुछ मीनिंगफुल कर पाए। इनफैक्ट एक स्टेप पीछे जाता हूँ, सिबलिंग्स के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में भी काफी रिवीलिंग चीजें बताई हैं। काफी बार ही होता है कि जो बड़ा सिबलिंग होता है या बड़ी बहन या भाई होते हैं, वो कभी कभी दे हार्बर नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द यंगर सिबलिंग। तो वो बड़ा, मतलब ये मुझे अभी रियलाइज हुआ कि दैट्स ऑल्सो अ वेरी नेचुरल थिंग। पीपल हु आर ओल्डर सिबलिंग्स, सम ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, वो कहते हैं एंड दे फील गिल्टी कि यार, एट वन पॉइंट इन टाइम आई यूज्ड टू फील वेरी जेलस ऑफ द यंगर सिबलिंग कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है। एंड कभी कभी काफी ईविल विशेज होते हैं कि उसको कुछ खराब हो जाए, ये हो वो हो, एंड द ओल्डर सिबलिंग ऑल्सो काइंड ऑफ इज गिल्टी एट वन एंड कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। सो दोज आर वेरी नेचुरल वेज ऑफ ग्रोइंग अप। व्हाट दिस बुक रियली रिवील्स इज दीज आर वेरी कॉमन थॉट्स, दीज आर नॉट यूनिक टू वन और टू इंडिविजुअल्स। ज्यादातर ओल्डर सिबलिंग्स हु हैव अ स्लाइटली यंगर सिबलिंग, नॉट अ वेरी यंग सिबलिंग, तो वो सिबलिंग राइवलरी वाला इशू होता नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये राइवलरी वाली फीलिंग, ये जेलसी वाली फीलिंग, एट टाइम्स विशिंग ईविल फॉर द यंगर सिबलिंग इज वेरी नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग अप, विच वॉज अ रेवलेशन फॉर मी। काफी नई चीज थी। फिर इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि अडल्टहुड में जब आप शादी करते हैं, हाउ समटाइम्स मैरिजेस डोंट गो द वे यू वॉन्ट, सम ऑफ देम एंड अप बींग डिवोर्सेज, सम द अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, अभी जैसे मैं 42 का हूँ, द बुक टॉक्स अबाउट मिड लाइफ क्राइसिस, विच आई सी अ लॉट इन माई फ्रेंड्स। एंड मिड लाइफ क्राइसिस शोज अप इन वेरियस वेज। समटाइम्स इट शोज अप इन पीपल हैविंग इश्यूज इन देयर मैरिज, और गेटिंग इन्वॉल्व विद समवन एल्स, और लिविंग देयर जॉब,
और वांटिंग टू चेंज देयर होल करियर। वो एक मिड लाइफ क्राइसिस इसलिए आती है क्योंकि आप अपने 35 साल की जिंदगी से बोर हो गए हो, अभी आपको कुछ नया चाहिए, चाहे वो आपकी शादी में चाहिए, चाहे वो आपकी नौकरी पे चाहिए। अब इस किताब से ये भी समझ में आया कि ये भी बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस, इट्स नॉट यूनिक टू मी और टू वन और टू अदर पीपल, इट इज वेरी कॉमन टू पीपल हु आर इन देयर मिड 30s एंड 40s। एंड हाउ ये एक उथल पुथल आती है, ये 7-8 साल का जो फेज होता है लाइफ में उथल पुथल आती है, लेकिन फिर चीजें सेटल हो जाती हैं फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। देन इट टॉक्स अबाउट हाउ बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से पहले जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, टिपिकली पहले क्या होता है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने बच्चों को, आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर लोगे, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन आती है कि आप हर वक्त नहीं होगे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हर वक्त कंट्रोल करना उनको जरूरी नहीं है, यू हैव टू डील विद द लॉस ऑफ डिस्टेंस, यू हैव टू डील विद द लॉस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फिजिकली बी देयर विद योर चाइल्ड, एंड दैट्स द रियलिटी। हो सकता है फिजिकली होके भी आप अपने बच्चों को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑथर ने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए जहाँ पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर किड्स एंड दे कुडंट कंट्रोल और प्रोटेक्ट दोज किड्स, एंड दोज आर रियल थ्रेट्स। हमें लगता है हम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे तो हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो ये भी एक भ्रम है। सो द सूनर यू रियलाइज इट कि ये आपका मेंटल ब्लॉक है, यू विल बी एट पीस इन योर लाइफ। फिर बुढ़ापे के बारे में बात करते हैं कि जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, 60 के ऊपर हो जाते हैं, 70 के ऊपर हो जाते हैं, लाइफ में उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, तो लोग कैसे वो लास्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ जीते हैं। कुछ लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं, सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी मीनिंग ढूंढते हैं, एक चाह होती है उनकी जिंदगी जीने की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की। और चाहे आपका शरीर कितना भी तकलीफ में हो, वो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो बाकी की जिंदगी भी काफी पॉजिटिवली कट सकती है। तो ये दिस वॉज द एंड फाइनली सुनने में बुरा लगेगा लेकिन हम सब मर जाएंगे, दैट्स द रियल, दैट्स द लास्ट लॉस इन आर लाइफ, वी लूज आर लाइफ। तो इसको बड़ा मैटर ऑफ फैक्टली बताया है ऑथर ने, और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे जो फायदा हुआ, आई एम वेरी सेटल्ड, मुझे मौत का डर अभी उतना नहीं लग रहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन बीच बीच में जो लगता है हाय मैं मर जाऊँ ये वो, लेकिन अभी समझ में आ रहा है वो रियलिटी है, मौत तो सबके लिए ही है। एंड एंड इट ऑल्सो गेव मी सम लेवल ऑफ कम्फर्ट कि हाँ मैं जिंदगी में जो मुश्किल का सामना कर रहा हूँ वो मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी जो मानव जाति है वो यही मुश्किलात से होकर गुजरती है इन सम शेप एंड फॉर्म। सो दैट हैज मेड मी फील वेरी लाइट इन माई हेड एंड गो अबाउट रियली एंजॉइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग दिस लाइफ। सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, थोड़ा एक्सपेंसिव किताब है, इंडिया में मिलती नहीं है, दूर से विदेश से शिप होके आती है अगर आप अमेजोन में बुक करो तो। मैं एक अमेजोन का लिंक छोड़ दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इफ यू आर Somebody in your mid-30s or early 40s, I think this is a very good book to read. So I would strongly recommend that you go for it. Thank you so much. Bye bye.